शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। वो रहने वाली महलों की, वो रहने वाले महलों की। तो मुझे बता, कोई गेम खेले हम लोग, क्योंकि मुझे मेरी परी ऐसी चुप चुप अच्छी नहीं लगती। मम्मी डांस करते हैं। हे भगवान, अब तू बुढ़ापे में मुझे डांस करवाएगी? अरे मैं तो सब भूल गई हूँ बेटा, गेम खेलते हैं ना। नहीं नहीं, मैं आपको सिखाऊंगी ना, प्लीज 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 डैनी माँ। ओके सब तेरी दानी माँ थक गई। मेरी प्यारी दानी माँ, आप सबसे अच्छे हैं। आई लव यू दानी माँ। आई लव यू टू बेटा। सोच रही है माँ? लगता है कुछ खास सोच रही है। खास तो सोच ही रही हूँ रानी। मैं ये सोच रही थी कि जो तेरा आने वाला बच्चा है, बल्कि यूं कहो कि तेरे होने वाली बेटी, वो मुझे क्या पुकारेगी, दादी या नानी? ये सवाल आप हमसे पहले पूछते थे, हम ही आपको जवाब दे देते। अभी बता दे। हमारी होने वाली बेटी आपको दानी माँ कहेगी। दानी माँ? सुनाई तो अच्छा दे रहा है, लेकिन इसका मतलब क्या हुआ? देखिए, शादी के बाद आपने हमें सास का तो प्यार दिया ही, साथ में माँ का भी प्यार दिया, तो उस रिश्ते से आप इसकी दादी और नानी दोनों ही। तो दादी का दा और नानी का नी, और माँ तो आप हैं, तो दानी माँ। अरे वाह, तूने तो मेरा डबल प्रमोशन करवा दिया। दुनिया में मैं पहली औरत होंगी जो दादी और नानी दोनों होंगी। नानी को भूख लगी है। भूख लगी है मेरी परी को? ठीक है, हम लोग दोनों मिलकर सैंडविचेस बनाते हैं। हाँ ठीक है, चल चल। पेट में उनका दाना नहीं गया साहब, साहब माँ भी मर गई है, पेट में उनका दाना तक नहीं गया साहब। 2 रुपये दे दोगे तो दूसरी को खाओ ही करूँगा साहब। साहब जिंदगी भर
भर मेरी कमाई पर ऐश करता रहा तू, अब इस नन्हे की जान को सूली में चढ़ा दिया, शर्म नहीं आई जरा से भी? कैसा आदमी है तू, कैसा आदमी है, इससे भीख मंगवाता है, मेरे होते नहीं से कहलवाता है कि मैं भीख आज की बात कभी नहीं मांगूंगा माँ, माँ और ये भी नहीं कहूंगा कि मेरी माँ मर गई है, माँ बस आप रो मत माँ। मुझे आशीर्वाद लेने का हक तो देंगी ना? जीती रहो, पहली मुलाकात में अगर इतना अपनापन दिखा रही हो तो आशीर्वाद तो मिलेगा ही बड़ों का। बेचारी रानी को क्या पता था कि नेहा, खैर रानी तो चली गई पर मैं तो जिंदा हूं ना, मैं नेहा को परी के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करने दूंगी। नेहा मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। अभी नहीं, मुझे देर हो रही है। अभी इसी वक्त, वरना सचमुच बहुत देर हो जाएगी। बोलिए। बोलूंगी तो सही, और हाँ नेहा, बहुत साफ साफ बोलूंगी तुमसे, तुम्हें शर्म बिल्कुल भी नहीं आती। तुम परी जैसी मासूम बच्ची के साथ सौतेलापन करती हो। अरे वो बच्ची तुम में अपनी माँ ढूंढती है और तुम उसके साथ ऐसा करती हो। वो बेचारी मासूम बच्ची शिकायत भी नहीं कर पाती, बस हैरान होके रह जाती है कि तुम उसमें और खुशी में इतना भेदभाव क्यों करती हो। उसी के सामने खुशी से प्यार करती हो और उस बच्ची को फटकार देती हो। देखो नेहा, मेरी आंखें हैं और मैं तुम्हारी हर हरकत देखती हूँ, लेकिन चुप हो जाती हूँ ये सोचकर कि इस घर की शांति भंग ना हो जाए। लेकिन किसी दिन अगर मुझे गुस्सा आ गया तो बस। अगर परी से इतना प्यार है आपको तो खुद क्यों नहीं जाकर संभाल लेती उसे? ये सब सुनने की आदत मुझे नहीं है, और ये जो गुस्सा है ना आपका, इस गुस्से का रौब किसी और पर जाकर दिखाना मुझ पर नहीं। कभी भी नेहा, सुरेखा को ये उंगली मत दिखाना। मैं बस आज तुम कुछ नहीं कहोगे, चुप, सिर्फ मैं बोलूंगी और तुम सुनोगे और समझोगी भी मेरी बात। परी का ख्याल है मुझे, और जब तक परी की दानी माँ जिंदा है उसका ख्याल रखेगी। बहुत परवाह है मुझे मेरी परी की,
इसीलिए तुमसे कहती हूँ। भगवान ने सुरेखा को बहुत सहन शक्ति दी है, लेकिन जब बात हद से बाहर हो जाती है ना, तो सुरेखा का गुस्सा बहुत खराब होता है, और तुमने मेरा गुस्सा भी देखा नहीं। आइंदा मेरी परी को अगर तुम प्यार नहीं दे सकती हो, तो मेरी बच्ची को दुख भी नहीं दोगी तुम। ये बात अपने पल्लू में गांठ बांध कर रख लेना, समझी? ये रोज रोज की दखलंदाजी मुझे अच्छी नहीं लगती। नेहा से कोई उसकी आजादी छीने, ये मैं होने नहीं दूंगी। बस अब बहुत हो चुका। हर वक्त मुझे लगता है कि मुझ पे नजर रखी जा रही है, और वो मोटी, हर बार उसकी मोटी मोटी आंखें मुझे घूरती रहती है। अब मेरे और खुशी के बीच अगर कोई आया तो मैं काम डाउन नेहा, इतना नाराज होने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारी प्रॉब्लम समझ सकती हूँ। अगर आप प्रॉब्लम समझती हैं तो कुछ करती क्यों नहीं? जरूर करूंगी, लेकिन हर बात मौका देखकर ही की जाती है। इसके बारे में मैं जेडी से जरूर बात करूंगी, और सुरेखा को इस घर से भिजवाने का बंदोबस्त भी करूंगी। तुम सही कह रही हो नेहा, जिसके वजह से वो इस घर में आई थी, जब अब वो ही दुनिया में नहीं रहा तो उसे यहां घर आने की क्या जरूरत है? एग्जैक्टली। अच्छा, तो समधन जी भी मिली हुई है नेहा के साथ? क्यों ना, आखिर दोस्त की बेटी जो ठहरी, मेरी भी अकल पर पर्दा पड़ गया था। जो मैं समझ रही थी कि शीना जी अब सुधर गई हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ये तो गिरगिट की तरह है, जब चाहे वैसा रंग धर ले। लेकिन इन्होंने भी सुरेखा को ठीक से जाना नहीं है शायद। परी कहाँ है? वो सो गई है। इतनी जल्दी? हाँ, इतना खेल के थक गई थी ना, अभी उसे सुला कर आई। अच्छा अच्छा। सुरेखा जी? जी। क्या बात है, आप आज इतनी चुप चुप क्यों हैं? नहीं नहीं भाई साहब, ऐसी कोई बात नहीं। दरअसल आपसे कुछ बात करनी थी। कहिए। कई दिनों से मैं सोच रही थी भाई साहब के अब मुझे ये घर छोड़कर चले जाना चाहिए। मेरा क्या काम इस घर में? क्या कह रही है सुरेखा जी? ठीक कह रही हूँ भाई साहब, अब जिंदगी में क्या मोह रह गया है? कुछ भी तो नहीं। अब तक जिंदा हूं सिर्फ परी के मोह में, और फिर भगवान की दया से अब तो परी भी बड़ी हो गई है, अपना भला बुरा सबको समझती है, समझदार हो गई है। और फिर वैसे भी भाई साहब, नेहा है ना, परी और खुशी का ध्यान रखने के लिए क्यों नेहा, मैं सोच रही थी कि मैं अनाथ आश्रम चली जाऊं और अपनी जिंदगी के बाकी दिन उन्हीं अनाथ बच्चों की सेवा में गुजार दूं। ठीक कह रही हूँ ना नेहा बेटा? मैं सब नेहा तो है ही, परी को माँ का प्यार भी देगी और अच्छी परवरिश भी दे सकेगी, इसलिए तो मैं इतनी निश्चिंत हूँ। सुरेखा जी, नेहा का प्यार और परवरिश एक जगह है,
और आपकी अपनी जगह एक तरफ है। वो कहते हैं ना, वो बच्चे किस्मत वाले होते हैं जिनके सर पर बुजुर्गों का साया होता है। लेकिन भाई साहब, आप तो परी की तानीमा है, खुशी की दादी है, और दोनों इतनी बड़ी नहीं हुई हैं अभी तक कि आपकी जरूरत ही महसूस ना हो। सुरेखा जी, आप प्रिंस और रानी के सपने से भी वाकिफ हैं और उनके संस्कारों से भी, और वही संस्कार आपको देने हैं इन दोनों बच्चियों को। पर भाई साहब, नहीं सुरेखा जी, आई एम रियली वेरी सॉरी, लेकिन आपकी ये बात मैं बिल्कुल नहीं मान सकता। अगर हमसे कोई गलती हो गई हो या हम में से किसी ने आपको कुछ कह दिया हो तो सबकी तरफ से मैं माफी चाहता हूँ। नहीं भाई साहब, आप मुझे शर्मिंदा मत कीजिए ऐसा कहकर। शीना, अरे तुम भी तो कुछ कहो सुरेखा जी से कि वो इसी घर का हिस्सा है। समदन जी, जी ठीक कह रहे हैं, कोई अपना घर छोड़कर चला जाता है क्या? मतलब आप तो यही रहेंगी हमारे साथ, है ना नेहा? हाँ माँ, आप नहीं जा सकती, आपके बिना तो ये घर घर ही नहीं रहेगा। और फिर मैं आपकी रानी नहीं हुई तो क्या हुआ, आपकी बेटी तो हूं ना। अगर आज रानी यहां होती तो क्या आप उसे छोड़कर जाने की बात करती? लेकिन पता नहीं क्यों बेटा, कभी कभी ऐसा लगता है कि मैं इस घर पर बोझ हूं। नहीं माँ प्लीज, ऐसा मत कहिए। सुरेखा जी प्लीज, आइंदा इस टॉपिक पर हम लोग बात नहीं करेंगे। आप इस घर से कहीं नहीं जाएंगे, यहीं रहेंगे। हेलो, क्यों कैसी रही? सौ सुनार की एक लोहार की, सिट्टी पिट्टी दोनों की गुम हो गई ना। हे भगवान, होगी सिट्टी पिट्टी गुम, तुम दोनों तो ये सोच रही होंगी। क्या रे वाह, शतरंज की बाजी तो हम दोनों मिलकर खेलेंगे, फिर मैं कैसे जीत का मोहरा पहले चल गई। सुरेखा नाम है मेरा, बताया था ना मैंने तुम्हें, मेरे साथ कोई भी चालाकी करने की कोशिश मत करना, मैं परी की दानी माँ हूँ। तुम दोनों एक पल के लिए भी ये मत सोचना कि मेरी परी अनाथ है, उसकी दानी माँ जिंदा है और उसके साथ कोई भी अन्याय कभी भी नहीं होने दूंगी। ये बात तुम दोनों समझ लो, मैं परी का साथ छोड़कर कभी भी कहीं भी नहीं जाऊंगी। हाँ, अगर तुम लोगों को जाना है तो सोच वो कहाँ जाना है। खाना तो खाओ, तुम दोनों खाना खाओ।